नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं कानपुर के नारामऊ इलाके में गेल 400 एकेडमी में, जहां पर पूरे 100 बच्चों ने जेई मेंस क्वालिफाई किया है। मेरे साथ है यहां के सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर देव शर्मा जी, जो बताएंगे रिजल्ट के बारे में। सर, सबसे पहले बताइए रिजल्ट कैसा रहा जेई मेंस का? मैडम, बहुत खूबसूरत रिजल्ट रहा है हमारे। 100 out of 100 स्टूडेंट्स ने जेई मेंस की क्वालिफाई किया, सभी बच्चों ने विद बहुत ही स्मार्ट और गुड रैंक्स के साथ में। आप सब एडवांस की तैयारी में जुड़ गए? सभी बच्चे एडवांस की तैयारी में जुटे हुए हैं और उम्मीद करता हूं कि 100 out of 100 एडमिशन्स इन IIT होंगे इस वर्ष। देव जी, जब पिछले बार मैंने आप यहाँ पे जेई मेंस और टॉपर्स के बच्चों से बात की थी, तमाम स्टूडेंट्स कह रहे थे कि भाई सुपर 100 में कैसे एडमिशन मिलेगा, तो आप बताओ, बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करना चाहते हैं, क्या वेबसाइट पर जाके कभी उनको पूरी कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, तो सुपर 100 कैसे पहुँचे? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपके यहाँ सुपर 100 में बच्चों की पढ़ाई, का खाना पीना रहना सब कुछ फ्री है, तो सुपर 100 कैसे पहुंचे बच्चे? देखिए, ये प्रक्रिया जैसे कि कोविड के चलते हम लोग ने ऑनलाइन की है, बट अभी भी कोविड के हालात थोड़े सामान्य हो गए हैं और हमारे यहाँ करीब 12 या 15 सीट्स खाली हैं। तो अगर ऐसे बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो हमारे कैंपस में आके और रिटन टेस्ट दे सकते हैं, तत्काल उनका इंटरव्यू प्रोसेस भी होगा, और अगर वो हमारी मेरिट में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उन बच्चों का हम चयन करेंगे। बिल्कुल, तो ये अच्छी बात है, देव शर्मा जी ने बताई 12 सीट्स अभी खाली हैं और ये कानपुर के नारामऊ इलाके में सुपर 100 एकेडमी है। आप यहाँ आकर आपको रिटन टेस्ट देना होगा, इंटरव्यू देना होगा, उसके अच्छा रिटन जो टेस्ट होता है वो किस लेवल का होता है? ये 11th 12th का बेस रहता है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स एंड एप्टीट्यूड 2 आवर्स का पेपर होता है और प्लस 4-2 मार्किंग होती है बच्चों की। जो बच्चे इसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं उनका चयन हो जाता है। अच्छा, पिछले साल जब मैं आई थी तो आप क्या जो एडवांस क्लियर करने के बाद बच्चे किन किन IITs में गए सुपर 100 से? लास्ट ईयर 44 एडमिशन इन IIT हुए हैं और जिसमें मोस्टली बच्चे IIT दिल्ली, कुछ बच्चे बॉम्बे में हैं, IIT BHU, IIT इंदौर एंड डिफरेंट वेरियस IITs में हैं बच्चे। ओके, तो देखिए ये अच्छा किस बैकग्राउंड के बच्चे आपके यहाँ आते हैं? बेसिकली जिन परिवार की पारिवारिक वार्षिक आय जो है वो 4 लाख रुपए से कम है, वो बच्चे लिखित परीक्षा दे सकते हैं और यहाँ सुपर 100 में एडमिशन ले सकते हैं। मतलब एनुअल इनकम उनकी 4 लाख से कम होनी चाहिए? से कम होनी चाहिए, वही बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो किस तरह का सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स उनको देना पड़ता है? बच्चों को जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के जो गवर्नमेंट अप्रूव करती है सर्टिफिकेट, वही सर्टिफिकेट, BPL कार्ड वगैरह? हाँ, BPL कार्ड काइंड ऑफ, और उनका स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट है, या सैलरी स्लिप्स हैं, या सरकार द्वारा जो उनको इनकम सर्टिफिकेट मिलते हैं वो है, इसके तहत हम उनका एडमिशन लेते हैं। बिल्कुल, तो अगर आपकी इनकम जो है 4 लाख से कम एनुअल है, आप यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रिटर्न टेस्ट देना होगा। लेकिन देखिए, आपके यहाँ सेलेक्शन का एक तो ये हो गया कि भाई आपका BPL होना चाहिए, आपका लो इनकम ग्रुप होना चाहिए, लेकिन अल्टीमेट जो क्राइटेरिया है वो आपका बच्चा कितना ब्रिलियंट है। जी देखिए, इस कॉन्सेप्ट का जो न्यू है वो ये है, आधार ये है कि बच्चे मेरिटोरियस हों, निर्धन परिवार से हों और यहाँ की लिखित परीक्षा और इंटरव्यू क्लियर करें, जिसके बेस पे हम ये जज कर पाते कि हाँ, इन बच्चों को हम साल भर IIT की तैयारी करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। अच्छा ये बताइए देव जी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना पूछते हैं सुपर 100 के बारे में। एक तो ठीक है कि आप कानपुर के नारामऊ इलाके में अगर आते हैं तो सुपर 100 एकेडमी बहुत फेमस है, आप यहाँ आके अपना ऑफलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन फिर उसके अलावा कोई आपका ईमेल ID है, कोई फ़ोन नंबर, कैसे लोग अप्रोच करें जो दूर दूर रहते हैं? जो बच्चे अब 12 सीट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, नहीं तो हमारी वेबसाइट है www.csrl.in, इस पर जाकर भी कानपुर का डिटेल निकाल सकते हैं या गूगल कर सकते हैं गेल उत्कर्ष सुपर 100 में, जहाँ यहाँ के फ़ोन नंबर और एड्रेस भी उनको अवेलेबल मिल जाएंगे, ईमेल IDs भी मिल जाएंगी, वहाँ से भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बाकी सीट्स फुल हो चुकी है, अब तो नेक्स्ट ईयर के लिए करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और मैं आपका धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि इस वर्ष जो आपने पिछले वर्ष यहाँ का जो वीडियो बच्चों के तक पहुँचा है आपके माध्यम से, उसके माध्यम से हमें करीब 12 या 15 बच्चों ने अप्रोच किया और करीब 7 या 8 बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है यहाँ पर। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये बताइए सुपर 100 में, वाकई में सुपर 100 की सफलता अपने आप में बहुत माने रखती है। अभी मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की जो बहुत लोअर बैकग्राउंड से आते हैं, किसी के पिता श्रमिक हैं, कोई रिक्शा पुलर हैं या किसान हैं, आप उनको फ्री यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी मिलती है एक बार बताएं आप। अच्छा सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगा कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल इस पूरे प्रोग्राम को स्पॉन्सर करता है, एंड CSRL जो दिल्ली बेस्ड एक NGO है, पैन इंडिया सेंटर फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीडरशिप, जो ऑल ओवर इंडिया 22 से 25 सेंटर्स अभी रन कर रहे हैं हम लोग ऑल ओवर इंडिया,
एंड जिसमें कि गेल भी एक प्रोजेक्ट है। गेल लगभग आज, गेल उत्कर्ष सुपर 100 लगभग आज 12 सालों से चल रहा है और लगभग प्रत्येक वर्ष 100 बच्चों ने यहाँ से जेई मेन्स एडवांस की क्वालिफाई किया है। 1500 से 1800 बच्चे अब तक यहाँ से क्वालिफाई होके भारतवर्ष में डिफरेंट IITs और NITs में पढ़ रहे हैं। और गेल के स्पॉन्सर के बाद जो है CSRL का एक अहम रोल है इसमें। तो लगभग मैं ये बताना चाहूँगा कि CSRL एंड गेल के द्वारा जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है इसमें बच्चों का, गरीब और मेधावी बच्चों का बहुत भला होता है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले लिखित परीक्षा होती है, लिखित परीक्षा पास करने वाले बच्चों का चयन किया जाता है, फिर उनका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद 100 बच्चों की मेरिट लिस्ट बनती है और उन 100 बच्चों को 11 महीने निशुल्क रहना, खाना पीना एंड IIT JEE मेंस एंड एडवांस की तैयारी, ये पूर्णतः निशुल्क होती है। इसके बाद गेल जो है इन बच्चों को 2 साल के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी देता है, 60,000 रुपये सालाना, लगभग 1,20,000 रुपये इन बच्चों को दिया जाता है। नहीं तो सर, जैसे आप, इन्होंने कोचिंग किया यहाँ पर और जैसे आपने कहा कि कोचिंग की पढ़ाई पूरी तरीके से फ्री है, रहना खाना भी फ्री है, तो ये जो स्कॉलरशिप है वो किसके लिए दिया? स्कॉलरशिप जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि इनिशियली एडमिशन्स लेने के लिए पैसा नहीं होता है, IITs में एडमिशन लेने के लिए भी आप हेल्प करते हैं, तो वो स्कॉलरशिप उनको मदद करती है। तो ये अहम जानकारी है कि मतलब सिर्फ यहाँ नहीं कि आपका सिलेक्शन IIT में होगा, इसके बाद आप जब IITs में एडमिशन ले रहे हैं तो बच्चों को पढ़ने जाना है, वहाँ एडमिशन की फीस के लिए भी आप मदद करते हैं। हाँ, गेल द्वारा उन बच्चों को 1,20,000 रुपये 2 साल में मदद की जाती है। अच्छा जी, तो ये अहम जानकारी देव शर्मा जी ने, देखिए आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, इतने 100% रिजल्ट है, ज़्यादातर बच्चे सभी ने जेई मेंस क्वालिफाई किया, इसके बाद ये एडवांस का एग्ज़ाम देंगे। देव सर ये बताइए कि अभी तक आपके यहाँ से सुपर 100, इसी का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स आप एडमिशन उनको देते हैं, क्या और सीट बढ़ाने की तैयारी नहीं है आपके यहाँ? हाँ देखिए, बिल्कुल, इस वर्ष गेल द्वारा वाराणसी में 30 गर्ल्स मेडिकल एंड 30 गर्ल्स इंजीनियरिंग के लिए एक सेंटर ओपन किया गया है, तो गर्ल्स कैंडिडेट वहां के लिए अप्लाई कर सकती हैं इस वर्ष के लिए। तो टोटल 100 स्टूडेंट्स बॉयज़ यहां पढ़ेंगे और 60 गर्ल्स वहां पढ़ेंगी, तो ये सीट्स बढ़ गई हैं। मतलब आप वाराणसी में एक नया सेंटर खुल गया और 30 लड़कियों को सिर्फ JEE के लिए तैयारी करा, JEE मेंस के लिए एंड मेडिकल के लिए, नीट के लिए भी 30 गर्ल्स नीट के लिए और 30 गर्ल्स मेंस एंड एडवांस के लिए भी तैयारी करेंगे। इसका मतलब 60 सीट्स आपने जनरेट की? जी, 60 सीट्स जनरेट। ये एक अहम जानकारी कि लड़कियों के लिए BHU में, सॉरी बनारस में सेंटर खुला, बनारस में कहाँ पर हो, कैसे अप्रोच करें आप? देखिए, ये भी गूगल पे अगर बच्चे चाहें तो गेल उत्कर्ष सुपर 60 जब सर्च करेंगे बच्चे तो उन्हें कंप्लीट एड्रेस और ब्रीफ कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा जहां वो ट्राई कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कांटेक्ट डिटेल। तो अच्छा, तो यानी कि अगर आप बनारस में पढ़ाई करना चाहते हैं, आसपास के इलाके में आप रहते हैं, तो 30 सीट्स नीट के लिए, मेडिकल एंट्रेंस के लिए, और 30 सीट्स इंजीनियरिंग यानी JEE के लिए वहाँ पर है, और आप गूगल सर्च करके आप देख सकते हैं सुपर 60 के नाम से। सुपर 60, ये सभी बच्चे UP के हैं और MP के बच्चे, ये दोनों बच्चे यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, UP एंड MP ओनली। अच्छा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बच्चे यहाँ बनारस में अप्लाई कर सकते हैं सुपर 60 के लिए। सुपर 60 के लिए UP एंड MP के बच्चे, सुपर 60 वाराणसी और गेल उत्कर्ष सुपर 100 कानपुर के लिए UP एंड MP के बच्चे, लड़के एंड लड़कियाँ दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये एडमिशन कब से शुरू हो रहे हैं? ये प्रक्रिया हमारी अब शुरू होगी फैब से। अच्छा। फरवरी से हम लोग ये प्रक्रिया शुरू कर देंगे, नेक्स्ट बैच के लिए सिलेक्शन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसमें न्यूज़पेपर में एड्स भी आते हैं, हमारे रोड शो भी होते हैं और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी हम लोग बताते हैं बच्चों को, और न्यूज़ में, जी न्यूज़ वगैरह चैनल्स में भी हम लोग माध्यम से बताते हैं बच्चों को कि ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसके फॉर्म आ चुके हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, और अगले वर्ष अगर कोविड नहीं रहा तो ये प्रक्रिया फिर से वही ऑनलाइन, ऑफलाइन रिटर्न टेस्ट होंगे, ऑफलाइन इंटरव्यूज़ होंगे, वैसे ही चलेगा ये। अच्छा, तो ये जो आपका सुपर 60 वाला कॉन्सर्ट है ये भी फ्री होगा? जी बिल्कुल, बच्चियों के लिए निःशुल्क होगा, एकदम फ्री है, रहना खाना पीना एंड कोचिंग एंड स्कॉलरशिप। आज हम सुपर 100 उत्कर्ष अकेडमी में हैं और हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर स्टूडेंट्स का सुबह से लेकर शाम तक क्या रूटीन होता है, कितने बजे बच्चे सो के उठते हैं, फिर कितने बजे क्लास अटेंड होती है, और इस समय जो आप देख सकते हैं कि ये लंच टाइम में बच्चे खाना खा रहे हैं, इसके बाद फिर ये नेक्स्ट क्लासेस में चले जाएंगे, इनकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। कुछ बच्चों से मैं बात भी करूँगी कि कैसे सुबह से शाम तक इनका दिन कैसे बीतता है। ठीक है, इसमें इस सुपर 100 अकेडमी में लंच टाइम हो गया है, बच्चे खाना खा रहे हैं, इसके तुरंत बाद ये क्लास के लिए चले जाएंगे। आप बताएं क्या नाम है आपका? मानवेंद्र सिंह। मानवेंद्र, यहाँ पे लंच का कितने मिनट का ब्रेक होता है?
आधे से पौने घंटे तक का ब्रेक रहता है। अच्छा, आधे घंटे का ये लंच ब्रेक हुआ है। आप बताओ मानवेंद्र, आप कहाँ से आए हैं और सुबह से अभी आप कितने बजे सो के उठे थे? जी सुबह हम लोग 6:30 बजे तक उठ जाते हैं और मैं बेसिकली ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ, और बाकी हम लोग का सुबह से रूटीन यही रहता है कि सुबह क्लासेस होती हैं और फिर 2 बजे के आसपास हमारा लंच होता है और 2:30 या 3:45 बजे तक ही रहता है, फिर उसके बाद फर्दर आगे क्लासेस होती हैं और फिर सेल्फ स्टडी करते हैं हम लोग। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विपुल शुक्ला है। विपुल, आप कहाँ से आए हैं? मैं मिर्ज़ापुर से आया हूँ। अच्छा, ये बताओ आज सुबह से मतलब वैसे रोज़ाना आपका क्या रूटीन रहता है? हम 6:30 बजे उठ जाते हैं सुबह सो के, उसके बाद 7 बजे से हमारी क्लासेस होती हैं, 7 बजे से क्लासेस होती है 9:30 बजे तक, उसके बाद फिर टेस्ट होता है तो हम लोगों का टेस्ट लगा रहता है, और नहीं तो जिस दिन टेस्ट नहीं रहता उस दिन क्लासेस रहती हैं, तो फिर क्लासेस रहती है, फिजिक्स की क्लास रहती है, मैथ्स की क्लास रहती है, तो 2 बजे तक हम फ्री हो जाते हैं क्लासेस से, उसके बाद फिर हमारा लंच होता है और लंच के बाद फिर हम अपना सेल्फ स्टडी करते हैं, तो रात के लेट नाइट तक सेल्फ स्टडी करते हैं। अच्छा, सेल्फ स्टडी करते हैं। ये बताइए, यहाँ पे आप टीवी देखते हैं, खेलते हैं, कुछ और करते हैं पढ़ाई के अलावा? नहीं, अभी तो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, एडवांस पास में है तो पढ़ाई कर रहे हैं बस। वैसे आम तौर पे यहाँ पे पढ़ाई खाने पीने के अलावा भी कुछ होता है? जी नहीं, कभी कभी स्पोर्ट्स हो जाते हैं 1-2 महीने में, जब सर को पता लगता है कि हम लोगों को कुछ रिक्वायर हो रही है स्पोर्ट्स के तो करा देते हैं सर। वैसे आप मतलब सुबह उठना, पढ़ना, खाना पीना। अच्छा, आधे घंटे के ब्रेक में आप ये होता है कि भाई आधे घंटे पूरा आराम से ब्रेक ले लें, या कभी कभी जल्दी 5 मिनट में खाना निपटाया? हाँ, कभी जिस दिन लगता है कि कुछ काम है, पढ़ाई में कुछ है या टेस्ट है जल्दी, या सर क्लास लगने वाली है, तो उस दिन जल्दी कर लेते हैं, नहीं तो आराम से कर लेते हैं लंच। देखिए लंच टाइम हो चुका है, बच्चे खाना खा रहे हैं, आप बताओ लंच टाइम कितने मिनट का होता है? मुश्किल से मैम 10-15 मिनट के अंदर हम लोग खाना खा लेते हैं जल्दी। अच्छा, नहीं ये मतलब काफ़ी होते हैं खाना खाने के। अच्छा, नहीं वैसे लंच ब्रेक जो है वो आधे घंटे को होता है, तो आप 10 मिनट में ख़त्म कर देते हैं? हाँ, सही रहता है, जितना जल्दी खा लेंगे उतना जल्दी टाइम ही रहेगा हमारे पास, तो सही रहता है, जल्दी खाना खा लेते हैं बस। कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम तिलक है मैम, हम झांसी के एक गाँव है गेंदा कबूला, एरच के पास में, वहाँ से बिलोंग करते हैं, और हमारे पिताजी किसान हैं, खेती करते हैं। तो आप सुपर 100 कैसे पहुँचे? मैम नवोदय में पढ़ता था मैं, तो फिर वहीं से फिर हमारे जो भैया यहाँ से पढ़ के गए हैं वो सौरभ झा भैया थे, तो उन्होंने फिर झांसी नवोदय में, तो उन्होंने बताया कि तुम यहाँ आ सकते हो, अच्छा मतलब अच्छी कोचिंग है और यहाँ से मतलब सही रहेगा, और मैम मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी वैसे कमज़ोर है, तो मतलब पिताजी इतने रुपये नहीं कर सकते थे कि हम बाहर कोचिंग जाएँ, तो फिर इसलिए फिर यहाँ पर हमने फॉर्म डाला तो फिर सेलेक्ट हो गए, तो आ गए। सुबह कितने बजे सो के उठते हैं, पूरा रूटीन बताइए सुबह से शाम तक। सुबह मैम वही 6 बजे जाग जाते हैं सभी बच्चे, 6 बजे मतलब जो फिक्स है हम लोगों का रूटीन, मतलब जो हम लोगों को एकेडमी से मिला है रूटीन वही फिक्स है, वही चलता है पूरा, सुबह 6 बजे जागना है, रात को 12, 12:30 या 1 के करीब सोना है, उसके बाद इंटरवल के हिसाब से क्लासेस चलती थी पहले, अब तो क्लासेस बंद हो गई क्योंकि सिलेबस पूरा कम्प्लीट हो चुका है, अब तो सेल्फ स्टडी चलती है पूरी कम्प्लीटली। अच्छा, तो सेल्फ स्टडी कितने घंटे करते हैं आप? अब इस टाइम पे तो समझ लीजिए कि पूरा दिन और 10-12 बजे तक सेल्फ स्टडी ही है। अच्छा, हाँ भाई, आपके लंच टाइम में कितना टाइम लगाते हैं आप बताइए, लंच में कितना टाइम देते हैं आप? 15 से 20 मिनट बस। बस हाँ। फिर पूरे दिन पढ़ते रहते हैं? हाँ पूरे दिन, और मतलब इवनिंग टाइम में थोड़ा स्नैक्स टाइम होता है, 15 मिनट टी ब्रेक मिलता है बस, और दिन भर पढ़ाई करते हैं। चलिए, आप कहाँ से आए? जी मैं पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से हूँ। क्या नाम है आपका, क्या पसंद आया? मेरा नाम अर्पित कुमार, मेरी परसेंटाइल 92% तो आप लंच को कितना टाइम देते हैं? भाई मैं 15-20 मिनट में, 15-20 मिनट तो जल्दी, मतलब आपको लंच ब्रेक तो यहाँ पे आधे घंटे को, तो जल्दी फटाफट खाते हैं? यस मैम, जल्दी 10-15 मिनट निपटा के। क्यों करते हैं? क्योंकि मैम कभी क्या होता है, हम लोग आदत सी पड़ गई ना, 15 मिनट की पहले 2:30 बजे से क्लास शुरू हो जाती थी, 2 बजे लंच होता था, तो 2 मिनट के लिए मैं बस पानी उनी पीते हैं या थोड़ा क्लास में बैठते हैं आके, बस फिर क्लास शुरू हो जाती है 2:30 बजे, तो भाई आदत पड़ी 10-15 मिनट में लंच निपटा के क्लास में आ जाते हैं। तो सुबह से शाम तक पढ़ते रहते हैं? जी मैम, बस ब्रेक होता है चाय टाइम मैम, और बस और शाम को डिनर के बाद दूध मिलता है करीब 10 बजे, तो भाई 15 मिनट का उधर ब्रेक होता है बस। तो टीवी देखना और मोबाइल चलाना नहीं करते हैं? सोशल मीडिया? नहीं मैम, सोशल मीडिया में हम लोग का जुनून है, हमारा जुनून तो IT है, बस जब IT निकलने के बाद ही हम उन्हें सब करेंगे उसके बाद। अच्छा, IT में सिलेक्शन होता तब सोशल मीडिया देखेंगे, ज्वाइन करेंगे आप? जी मैम, मैं अभी तो मैम बस मेरा मकसद IT है, पहले मैं IT में जाना चाहता हूँ। देखिए इस समय यहाँ पर लंच ब्रेक हुआ है, स्टूडेंट्स खाना खाएंगे 10-15 मिनट में फिनिश करके फिर पढ़ाई में जुट जाएंगे, ये तमाम लोग यहाँ पर सर्व कर रहे हैं। आज क्या बना खाने में बताइए? चावल दाल रोटी सब्जी।
ये बताइए कितने स्टूडेंट्स का जो ब्रेक होता है आप डेली कितना देखते हैं, कितने मिनट का हो जाता है यहाँ पर? आज क्या बना है? दाल रोटी सब्जी चावल। कितने स्टूडेंट्स के लिए आप बनाते हैं रोज? ये 100 बच्चे यहाँ रहते हैं उनके लिए बनाते हैं, स्टाफ लोग हैं हम लोग। अच्छा जी, कितने लोग मिलके बनाते हैं यहाँ का खाना? 6 लोग मिलकर बनाते हैं। अच्छा, करीब देखिए 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं और करीब 6 लोगों का स्टाफ है जो मिलके खाना बनाता है, तो 6 लोग पर्याप्त रहते हैं। अब इसके बाद फिर शाम का खाना कितने, डिनर कितने बजे होता है? 8:30 बजे होता है। तो रात का खाना 8:30 बजे होता है। 6 लोगों की टीम है जो करीब 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और जाहिर सी बात है स्टाफ है, उसके लिए भी यहाँ पर खाना बनता है और ये सब कुछ, ये सारी सुविधाएं स्टूडेंट्स को यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड की जाती हैं। एक बार हम फिर से पूरा और भी स्टूडेंट से बात करेंगे, यहाँ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर से भी बात करेंगे कि बच्चों का रूटीन सुबह से शाम तक यहाँ पर कैसे रहता है। सर, इस समय सुपर 100 में लंच ब्रेक चल रहा है, आप बताएं कि यहाँ पर मॉर्निंग टू इवनिंग बच्चों का क्या शेड्यूल रहता है? बच्चों को हमारे जो हमारे वार्डन है वो ऑलमोस्ट 5:30-6 बजे बच्चों का वेकअप कॉल होता है। बच्चे सब उठ जाते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, 6:30 तक सारे बच्चे क्लासरूम में आ जाते हैं। 6:30 से 8:30 तक बच्चे अपना सेल्फ स्टडी करते हैं और 8:30 बजे उनका ब्रेकफास्ट होता है। 8:30 से 9 ब्रेकफास्ट टाइम होता है और जितनी जल्दी बच्चे ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लेते हैं उतनी जल्दी वापस स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं। 9:00 के बाद जो है सभी बच्चे वापस क्लासरूम में आ जाते हैं। 9 से 11 हमारी क्लास होती है केमिस्ट्री की एंड 11 बजे के बाद जो है फिजिक्स सर आ जाते हैं, तो 11:10 से क्लास होती है, 11:10 से 1:10 तक फिजिक्स की क्लास होती है और फिर उसके बाद ये लंच ब्रेक होता है, बच्चे 1/2 आवर का ब्रेक लेते हैं एंड 1:30 अराउंड क्लास स्टार्ट हो जाती है मैथ्स की जो 3:30 तक चलती है। इसके बाद पूरा दिन बच्चे 12:30 तक सेल्फ स्टडी करते हैं। इसके लिए हम लोग ने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के स्लॉट बना रखे हैं, बच्चे उतने आवर्स में फिजिक्स पढ़ते हैं, फिर केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर मैथ्स पढ़ते हैं। ओके, तो यानी कि ज़्यादातर समय बच्चों का स्टडी में जाता है? ज़्यादातर बच्चों का समय स्टडी में ही जाता है। वीक में हम लोग थोड़ी बहुत छोटी मोटी एक्टिविटीज़ करते हैं, गेम्स, इंडोर गेम्स खिलाते हैं बच्चों को फॉर रिफ्रेशमेंट और ये बहुत कम हो पाता है क्योंकि टाइम इतना कम है 11 महीने में IIT JEE एडवांस की तैयारी कराना, तो वो थोड़ी एक्टिविटीज़ कम होती है। सर, मैं इसलिए पूछ रही हूँ आपसे क्योंकि चूँकि JEE का एग्ज़ाम इतना टफ एग्ज़ाम होता है तो तमाम बच्चे ये जानना चाहते हैं जो सफल कैंडिडेट होते हैं आखिर वो सुबह से शाम तक करते क्या, तो आपने कैसे ये जो रूटीन है या टाइम टेबल को कैसे डिज़ाइन किया है जस्ट टू एंश्योर कि मैक्सिमम टाइम उनका पढ़ाई में जाए और वो एक तरह की बोर्डम भी ना हो, बहुत ज़्यादा ऊबे भी नहीं, परेशान भी नहीं हो? देखिए, पहले वो खुद को मॉनिटर करें, सबसे पहली बात है कि वो दिन भर में क्या क्या सिलेबस उनके पास है, क्या असाइनमेंट्स उनको मिले हैं, कितना उन्होंने टारगेट फिक्स किया है और उस टारगेट में वो कितना मैक्सिमम काम कर पा रहे हैं। किसी भी सब्जेक्ट को छोड़े नहीं, स्किप नहीं करें, पर डे जो भी असाइनमेंट्स हैं वो पूरे लगाने की कोशिश करें एंड इंश्योर करें कि जो भी टाइम टेबल बनाया है उसको वो तोड़े नहीं। तो ये खुद को मॉनिटर करने से ही पॉसिबल है। 11 महीने 12 महीने या 2 साल जो भी वो तैयारी कर रहे हैं, जितना टाइम उन्होंने निकाला अपनी तैयारी के लिए, उतने टाइम पीरियड में वो अपनी प्रॉपर मॉनिटरिंग करें और टाइम टेबल फिक्स करें और असाइनमेंट्स डेली लगाएं, कोई भी असाइनमेंट छोड़े नहीं, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो मैथ्स का। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना। Thank you.